हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोन्स। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं ये आइसोटोन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। ओके, इन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, अगर ये सारे एटम्स जो हैं उनमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो सेम है बट उनके एटोमिक नंबर एंड मास नंबर डिफरेंट है, तो उन एटम्स को हम बोलते हैं बेसिकली आइसोटोन्स। समझिए इस चीज को, आपने अलग अलग एलिमेंट्स लिए हैं एंड उन एलिमेंट्स के एटम्स लिए हैं, तो उन एटम्स के अगर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अलग अलग है बट स्टिल उन सभी के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एटम्स के वो सेम है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोन। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको यही याद रखना है कि आइसोटोन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है सिलिकॉन लिया गया है, फास्फोरस लिया गया है एंड सल्फर लिया गया है। ओके, अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स की। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ओके, फास्फोरस का होता है 15 एंड सल्फर का होता है 16। लेकिन अगर इनके मास नंबर की बात करें तो सिलिकॉन का मास नंबर होता है 30, फास्फोरस का होता है 31 एंड सल्फर का होता है 32। अब यहाँ पे इन तीनों ही डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो सिलिकॉन में जो प्रोटॉन है वो 14 है, फास्फोरस में भी 15 है एंड सल्फर में 16 है। तीनों ही क्या है, डिफरेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन में 14 है, फास्फोरस में 15 है एंड सल्फर में 16 है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, माइनस करने पे हमको मिल जाएंगे सिलिकॉन के जो न्यूट्रॉन्स है वो 16 है। यहाँ पे 31 माइनस 15 करेंगे फास्फोरस में, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 16 होंगे। सल्फर में यहाँ पे भी हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, तो सल्फर के जो न्यूट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे, 16 होंगे। तो यहां से एक चीज समझ में आती है स्टूडेंट्स, इन सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो सब डिफरेंट है बट इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम है, इसलिए इन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।